तो इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्री डी एस जो है मैक्स को सॉफ्टवेयर को हमने कंप्लीट किया है ऑटोकैड थ्री के अंदर वेरी क्विकली हमने ब्रीफली जो है आपको दिखाया है कि किस तरह Uh, uh, जो है जब ड्राइंग को हम ले आते हैं इन इन कैड थ्री डी तो वहाँ पर वर्क करते हैं अब हम थ्री डी एस मैक्स जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है सो थ्री डी एस मैक्स जो है दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फॉर थ्री डी स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर थ्री डी इसमें मेनली काम ही सारा थ्री डी का ही हो रहा होता है अट्रैक्टिव uh, इसके आउटपुट्स होते हैं इसके डिस्प्लेज बहुत अट्रैक्टिव हैं जितने अक्सर uh, अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं तो हाउसिंग स्कीम्स की जो या इश्तहार आए है होते हैं कि आप घर लें फिलहान जगह पे तो एक तस्वीर लगी हुई होती है अक्सर जिसमें एक गाड़ी सामने खड़ी है और एक घर सा नज़र आ रहा होता है वो जो ड्राइंग है वो थ्री के अंदर ही बनी हुई होती है यानी वो रियल नहीं होती लेकिन बिल्कुल इट्स इट लुक्स लाइक रियल तो थ्री में क्या होता है जो चीज़ आजकल जो हाई लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें थ्री ही बनता है और वो थ्री जो है वो साइट इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट उनको दे देता है हैंड ओवर कर देता है कि यही मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है और मुझे मेरे घर का फाइनल आउटपुट ऐसा ही चाहिए तो इट्स वेरी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और अगेन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि चाहे कैट थ्री था या चाहे थ्री डी है हमारा जो पर्पज़ है हम आपको एक पाथ दिखा रहे हैं एक गाइडिंग पाथ है कि ये इसके बेसिक्स और सॉफ्टवेयर के जो मेन चीज़ होती है वो बेसिक सीखना ही होता है नेवर एवर थिंग जो लाइफ के आपको कोई हाथ पकड़ के वो सारी चीज़ें तो फिर आपकी अपनी लर्निंग नहीं है इसी तरह आप थ्री के जो है थ्री डी मैक्स के आठ से नौ जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर मैं आपको सारा बेसिक ओवरव्यू राइट फ्रॉम इंस्टॉलेशन और टिल दी जो है हम इसका रेंडरिंग कैसे एक इमेज को बाहर निकालते हैं मैं एक ओवरव्यू दिखा दूंगा इसके बाद इट्स अप टू यू कि आप कैसे लेके चलते हैं सो बढ़ते हैं हम कैड की तरफ थ्री की तरफ ताकि हम क्विकली इसकी इंस्टॉलेशन देख लें कि कैसे होती है अगेन इंस्टॉलेशन के मैं स्टेप्स नहीं जाऊँगा वही वेबसाइट है जहाँ से हमने कैट डाउनलोड किया है वहीं से हम थ्री डाउनलोड करेंगे जो एक चीज़ जो बार बार मसाइल आ रहे हैं जो कि मुझे कन्वे किए गए हैं वो सिंपल यही वाले मसाइल हैं कि जी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो उसमें मेन जो रीजन है वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है कहीं पे भी जब तीन जी बी चार जी बी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है कहीं पे भी माइनर सा एरर भी जहां पे आ जाता है आपके इंटरनेट के अंदर माइनर सी स्पीड वेरिएशन तो बाजू अत वो उसको हैंग करके और वो प्रॉब्लम दे देता है तो आपने इंटरनेट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर जो इंस्टॉलेशन एंड देन इज़ योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन सिस्टम स्पेक्स जिसको हम कहते हैं इंश्योर uh, करें क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर हैं ये डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं तो इसमें आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए अदरवाइज़ आपका प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा होता जब ये प्रोसेस होता है ये इंस्टॉलेशन होती है तो वहाँ वो उसको जो है वो क्लेप्स करता है हैंग कर देता है सो so, ये दो मसाइल ज़्यादातर आते हैं सो so, अब हम बढ़ते हैं uh, क्विकली थ्री की इंस्टॉलेशन और देन इसका बेसिक ओवरव्यू देखते हैं सो so, गूगल uh, पे आपने आना है सेम uh, जिस तरह आपने कैड ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है सो so आपने सिंपल लिखा गूगल में ऑटोडेस्क फ्री सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स सो ये आपके सामने जो है लिंक uh, ओपन होंगे मैं ज़्यादा डेफ में नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम चीज़ें कवर कर चुके हैं और कैड की इंस्टॉलेशन सेम है आप फर्स्ट को या सेकेंड को किसी भी लिंक को आपने यहाँ से ओपन करना है आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ, फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिसमें माया है ऑटो कैड है आपका इन्वेंटर प्रोफेशनल है रिविट है थ्री डी एस मैक्स तो ये यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शन थ्री डी इंस्टॉल करना है इस टाइम हमने तो इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपल हमने लिख लिखने के बाद ये किया अब यहाँ पे ये आप देखें तो व्यू हमारे सामने है सो वट इज़ आस्किंग किंग थ्री डी एस मैक्स की थोड़ी सी वो आपको जो है वो एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ बता रहा है कि ये पावरफुल थ्री डी मॉडलिंग और एनिमेशन सोल्यूशन है गेम डिवेलपर्स यूज़ करते हैं विजुअल इफेक्ट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसके कर रहे हैं कारण मैसेवर्स स्टर्निंग सीन्स एंड एंगेजिंग वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसिस हैं यहाँ पर आपने इसका अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ऑलरेडी आपने क्योंकि क्रिएट किया हुआ है वही अकाउंट जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं सेम अकाउंट आपने यूज़ करना है या आपको यहाँ पे भी काम आएगा देर इज नो नीड कि आप एक नया अकाउंट बनाने जाएं उसी अकाउंट का लॉग और जो आपके पास उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और डायरेक्टली आप साइन इन करेंगे साइन इन अभी क्योंकि ये देख लें ये आ, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑपरेशनल नहीं है इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि मैं साइन इन नहीं किया हुआ साइन इन करेंगे आप साइन इन करने के बाद ये क्योंकि मैंने साइन इन ऑलरेडी कर लिया हुआ है टाइम सेव करने के लिए तो इसके बाद ये साइन इन हो चुका है किसी भी नाम से है यहाँ पे आल यू नीड टू डू इस सबसे पहले आपने वर्जन तो उसी तरह कैड के जो जिस तरह वर्जन थे थ्री मैक्स के भी वर्जन भी हैं सिक्सटीन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपका आ, क्या है विंडो 64 क्योंकि मेरी है तो ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है आपकी 32 टू बिट है तो 32 टू बिट हो जाएगा यहाँ पे आपने कर लिया और लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश जैसे ही आपने ये क्लिक किया ये आपके पास सीरियल नंबर प्रोडक्ट की फाइल साइज़ सो दिस इज़ सेवन पॉइंट फाइव फोर जी बी रिम्बर ये बहुत बड़ा साइज़ है ये आ, कोई छोटा साइज़ नहीं है नॉर्मली जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं तो वो एम में होते हैं के में भी होते हैं नॉर्मली एम तक ही रहते हैं बट दिस इज़ इन जी इसी वजह से इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सॉफ्टवेयर वी एल सी अक्सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं नेक्स्ट 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 एंड ओके बट दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दोज सॉफ्टवेयर्स थोड़ा सा आपको इसमें और वर्क करना पड़ता है सो so, यही आपने यू नीड टू टेक केयर के आप प्रॉब्लम्स आते हैं हिम्मत नहीं हार नहीं कि ये इंस्टॉल एक दफ़ा नहीं हुआ तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्री में अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली टाइम लगता है बाज़ात और लेकिन इंस्टॉल हो जाते हैं तीन चीज़ें आपने क्लिक की उसने यहाँ पे और इसके बाद आपने यहाँ पे करना है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक अब मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल यहाँ करके रख दिया हुआ है जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे कैड की तरह एक प्रोसेस चलता रहेगा वही स्क्रीन आपके सामने आएगी टू ऑफ थ्री जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन होते होते हैं आखिर में आपने सिंपली फिनिश के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये उसको फिनिश कर देगा आपकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी सो इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारे पास आइकन है जिस तरह कैड का आइकन हमारे पास आ चुका था बिल्कुल जैसे ही इंस्टॉल होगा ख़ुद ब खुद बखुद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है यू विल सी आ, दिस ये जो है हमारे जहाँ पे अभी कर्सर मूव कर रहा है सो so, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करेंगे जैसे ही हम कुछ सेकंड ये लेगा कुछ टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है अगर ये टाइम ले रहा है इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं और थ्री वैसे ही काफ़ी जो है हमारा आ, हैवी टाइप जब हम थ्री की बात करते हैं इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी थ्री डी के अंदर प्लेसड हैं इसके अंदर विंडोज़ हैं डोर्स हैं मटीरियल है सो so, काफ़ी चीज़ें क्योंकि इसके अंदर मौजूद हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और डिपेंड अगेन करेगा कि आपके जो है वो किस तरह की स्पीड है और आप वर्क कर रहे हैं सो so, ये हमारे पास जैसे ही आप ओपन करेंगे ये है जी इंटरफेस जिस तरह हमने कैड का इंटरफेस देखा था जिस तरह हमने कैड थ्री का इंटरफेस देखा सेम उसी तरह हमारे पास ये थ्री डी मैक्स का इंटरफेस है अब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये हमारा मेन मेन्यू बार है जिस तरह कैड के अंदर हमने देखा इसी तरह यहाँ पे भी एडिट है टूल बार ग्रुप व्यूज़ बहुत सारी चीज़ें यू कैन सी और इसके बाद जो है हमारे पास मेन टूल बार्स हैं ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसमें स्नैप की आपको नज़र आ रही होगी टूल uh, जिसमें आपके पास जो है वो सिलेक्शन की तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वन बाय वन स्पिनर स्नैप मौजूद हैं हमारे पास सो विल सी वन बाय वन और ये सिलेक्ट सेलेक्टेड मैनूप्लेट भी है इसके बाद आगे हम चले तो ये हमारे पास हैं जी मेन व्यू पोर्ट्स इसके अंदर टोटल चार व्यू पोर्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं इस टाइम अगर आप देखें तो लेफ्ट है टॉप व्यू है फ्रंट है और परस्पेक्टिव और रियलिस्टिक रियलिस्टिक में जिस तरह हमने देखा था इन ऑटो कैड थ्री तो हमें कंप्लीट uh, जो है वो ड्राॅइंग्स uh, नज़र आती हैं सो so, uh, हम जो है इन व्यूज़ को स्विच भी करना सीखेंगे आगे जाके फिलहाल क्योंकि ये जस्ट इंटरफेस का इंट्रोडक्शन है तो हम इन व्यूज़ में ये जिस व्यू में हमने काम करना होगा उसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे सो उस व्यू में हम वर्क कर सकते हैं और इवन वी कैन चेंज द व्यूज ये अगर हम यहाँ पे आएँ और ये देख लें आप सो ये टॉप है जिस तरह हम कैड में चेंज कर रहे हैं इसे ये फ्रंट है ये राइट right है दिस इज़ बैक सो वी कैन चेंज ये ग्रिड भी इसके अंदर मौजूद है और अगर हमने दोबारा बैक टू ओरिजिनल जाना होगा तो ये हमारे पास जो आइकन नज़र आ रहा है दिस वन ये जहाँ पे अभी कर्सर मूव कर रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम वापस ओरिजिनल जिस व्यू में हम थे वहाँ जाएंगे और हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे इसके बाद जो है हमारे पास अगर हम नीचे आए तो जहां हमारे पास जो है वो ये हमारे पास मैक्सक्रिप्ट लिस्नर भी की टूल्स भी मौजूद हैं और इसके बाद जो है हमारे पास दिस इज एक्चुअली स्टेटस बार और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अक्सर जब हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ उसकी एक्स वाई जी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वर्क करना से हमने आ, कोई बॉक्स जो है वो बना लिया है तो उस बॉक्स को उसके बाद अगर हमने ड्रा करने के बाद यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि थ्री डी मैक्स है तो थ्री डी एस है तो इसके अंदर तीन डायमेंशन में हम काम करेंगे कैट टू डी था तो हम उसमें टू डी में काम कर रहे थे बट नाउ विल सी आ, दी जी डायमेंशन एज वेल तो ये हमारे पास जीनत जो है वो डायमेंशन भी मौजूद है और इसके बाद हम आगे चलें तो ये हमारे पास जो है वो एनिमेशन कंट्रोल कीज़ भी मौजूद हैं ये क्योंकि एनिमेशन भी इसके अंदर हम प्ले करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ये प्ले एनिमेशन है ये नेक्स्ट फ्रेम है ये हमारे पास प्रीवियस फ्रेम है सो जब भी हम बात कर रहे होंगे एनिमेशन की तो हम लाजमी उसमें इन व्यूज़ के अंदर भी बात करेंगे और इसके बाद हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल टूल्स मौजूद हैं पेन की कमांड है जूम इन है जूम आउट है किसी भी तरह की जिस तरह कैड के अंदर हम इस्तेमाल करते रहें कैड थ्री डी कैड टू डी उसी तरह ये हमारे पास ऑर्बिट की जो है वो कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगी आगे जाके जब ऑब्जेक्ट्स को हमने डिफरेंट परस्पेक्टिव में देखना होगा डिफरेंट साइड से देखना होगा तो ये हमारे पास जो है नेविगेशन कंट्रोल्स हैं और ये हमारे पास है कमांड पैनल uh, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बाई डिफ़ॉल्ट है अभी इसमें हमने कोई चेंज नहीं की ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कमांड है टूल बार है और ये कमांड पैनल से ही जितनी भी हम कमांड्स ऑपरेट करेंगे वो ज़्यादातर हम यहाँ से ही ऑपरेट कर रहे होंगे और यहीं से हम उसमें वर्क करेंगे आल दो यहाँ से भी हम जाके ऑपरेट कर सकते हैं जिस तरह हम क्रिएट में आए तो ये हमारे पास सेम ऑप्शन मौजूद हैं जिस तरह ये बॉक्स है और ये भी बॉक्स है तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिएट का ऑप्शन जिस तरह कैड में ड्रा का जो मेन मेन्यू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें क्रिएट का मेन मेन्यू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ नजर आ रही हैं वो क्रिएट में भी मौजूद हैं सो तो हमारे लिए आसानी होगी जिस तरह हम कैड में अगर आपको याद हो टूडी में तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे टूल बार्स जो मौजूद थे हम पिक करते थे इसी तरह ये हमारे पास राइट साइड में मौजूद हैं यहीं से हम चीज़ें पिक करते रहेंगे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टार्ट में अब आते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मॉडिफाई की है क्रिएट की है हरारकी की है नीचे हैं तो ज्योमेट्री है शेप्स हमारे पास डिफरेंट मौजूद हैं सो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो है वो वैसे तो सारी क्या है इंपॉर्टेंट है बट दिस कमांड पैनल जो है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसमें वर्क करना सो so, ये हमारे पास एक बेसिक जो है एक इंटरफेस है जिसके अंदर हम वर्क करेंगे मजीद जो ऑनवर्ड हम टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे उसमें हम अपनी ड्राॅइंग्स को थ्री डी में बनाना भी सीखेंगे और उसमें फर्दर काम करेंगे सो so, इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो देखा है कि किस तरह हम थ्री डी स्मैक्स इंस्टॉल करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम है जिस तरह कैड की इंस्टॉलेशन थी सिंपली आपने साइन इन करना है उसके बाद आपने वहाँ से वरियन सेलेक्ट करना है वर्जन के बाद आपने जो है उसको इंस्टॉल पे लगा देना है ख़ुद ब खुद स्टेप्स चलते रहेंगे जिस तरह कैड में चल रहे थे कि वन ऑफ फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू या जितने भी स्टेप्स थे इसके बाद ख़ुद ब खुद एक आइकन आपकी स्क्रीन पे बन के आता है शॉर्टकट जो इसे हम कहते हैं उसको आप क्लिक करते हैं कैड आपका थ्री डी मैक्स ओपन होता है और उसके बाद हमने एक बेसिक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखा है कि मल्टीपल कमांड्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं उनसे क्या क्या करते हैं अनवर्ड हमारे जितने टॉपिक्स हम इससे आगे मूव करेंगे तो हम फॉर्मली जो है ऑब्जेक्ट्स ड्रा करना सीखेंगे और फिर अपनी टू डी ड्राॅइंग जो हमने कम्प्लीट की है उसी का थ्री डी के अंदर जो है हम उसको एक्सट्रूड करना सीखेंगे